आयुर्वेदा सीमा गर्जे प्रैक्टिसिंग एट गरजे आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर आज बहुत ही कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों में लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग परेशान हैं उसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज हम जानेंगे वो है पेट के विकार लॉकडाउन की वजह से जो खान पान में आपके बहुत ही बदलाव आए हैं खाने की जो आपके टाइमिंग है उसमें चेंजेस हुए हैं फिजिकल एक्टिविटी जो व्यायाम बोलते हैं एक्सरसाइज़ इसका अभाव होने की वजह से जो पेट में गैसेस होना पेट बहुत टाइट हो जाना इंडाइजेशन एसिडिटी छाती में जलन छाती में उसकी वजह से कभी कभी पेन होना ये सारे प्रॉब्लम्स सभी लोग फेस कर रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में इसी के लिए जो कुछ सिंपल हेल्थ टिप्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी जिसे आप ट्राई करने के बाद इससे तुरंत ही आपको आराम मिलेगा तो जैसे हमने देखा कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम होने की वजह से घर पे बैठे बैठ बैठे बैठे रहने की वजह से वैसे ही जैसे कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद चलो अभी दोपहर के खाने के शाम का खाने का टाइम हो गया टाइम हो गया ना भूख लगना भूख नहीं लगी है लेकिन टाइम हो गया बोल के हम खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खा लेते हैं तो इसकी वजह से इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स बहुत ही पड़ गए हैं तो अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो पेट में बहुत ही गैसेस हो रही है पेट बहुत फुल रहा है टाइट लग रहा है तो सबसे पहली बात है कि जब तक आपको भूख ना लगे तब तक आप पहला जो खाना हो है वो जब तक डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक दूसरा खाना नहीं लेता है उसे ही सिंपल भाषा में लंघन कहते हैं आपको वो फॉलो करना चाहिए जब भूख लगे तब खाना खाओ तो जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा उसी के साथ जो हम पानी पीते हैं खाने के पहले और बाद में बहुत भरपेट पानी पी लेते हैं तो वो नहीं करना है खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो डाइजेशन अच्छा रहने में मदद होगी उसी तरह से अगर आपको ये सारे इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स है तो दिन भर थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते रहिए तो डाइजेशन अच्छा रहेगा पेट में बहुत गैसेस हो रहे हैं पेट बहुत फुल रहा है तो सिंपल है घर में जो हिंग अवेलेबल होता है उसे थोड़ा सा घी में भून के घी के साथ बीच बीच में चाटेंगे तो जो गैसेस होते हैं वो इजीली पास होकर पेट एकदम हल्का लग, लगना लगेगा उसी तरह से अगर वही हींग का लेप अगर गुनगुने पानी में थोड़ा सा मिक्स करके पतला सा अगर पेट पे लेप लगाते हैं तो भी गैसेस रिलीज होके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा वैसे अगर बहुत ज़्यादा डकारें आ रही है जो भी खाना खाते हो उसकी डकारें आ रही है तो उसके लिए सिंपल जो घर में अदरक है जिंजर उसका स्वरस निकाल के फिर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के और सेंधा नमक डाल के बीच बीच में उसे चाटते रहिए तो जो डकारे आना है वो तुरंत ही बंद हो जाए आ, वैसे ही अगर घर में आपके आ, अवेलेबल है तो आ, जो छाछ बनाते हैं हम तो छाँच में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर धनिया पाउडर और काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके खाने के बीच बीच में अगर वो पीते हैं तो भी डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहेगा ये सारे इनडाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से जो गैसेस होना पेट साफ न होना इसमें आपको राहत मिलेगी आ, ये तरह के अगर आप टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही आराम होगा उसी के साथ जो एक सेकंड ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो हमारे आ, ये है इंडाइजेशन के प्रॉब्लम है गैसेस पास ना होना पेट साफ न होना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ आसन होते हैं वो फॉलो कीजिए वो अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी लेकिन ये आसन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आसन खाने के पहले करना है सिर्फ जो वज्रासन बोलते हैं वो आप खाने के बाद में कर सकते हो तो अगर खाने के बाद आप एक पाँच से दस मिनट वज्रासन में बैठे रहेंगे तो जो पेट में गैसेस होते हैं और इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं वो भी आ, आपको ईजीली उसमें आराम हो जाएगा उसी के साथ जो हमारे जो इंडाइजेशन के लिए आ, ये है कि जो सिक्रीशन अच्छा होना चाहिए हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का तो वो जूसेस का सिक्रीशन अच्छा होने के लिए कुछ आसन है जैसे कपाल भाती है उत्तासन है हलासन है पवन मुक्तासन है तो ये आसन करने से हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो अच्छे से सिक्रिट होके जो हम खाना खाते हो हजम हो जाएगा तो ये आसन भी आपको घर पे ही करेंगे तो ये सारी चीज़ों में आपको राहत मिल जाएगी उसी तरह से अगर पेट साफ़ नहीं हो रहा है हम खाना खाते ही जा रहे हैं लेकिन पेट साफ़ न होने की वजह से पेट बहुत ही फूल रहा है या हार्ट स्टूल हो रही है तो घर पे आप अगर त्रिफला चूर्ण या फिर हरी तकी चूर्ण या फिर एरंड तेल जो बोलते हैं सिंपल एक से आ, आधा चम्मच से एक चम्मच अगर आप गुनगुने पानी के साथ शाम को सोते वक्त लेते हो तो सुबह इजीली पेट साफ़ हो जाएगा बिना कोई तकलीफ़ के तो ये सारे टिप्स तो फॉलो करने ही हैं लेकिन अगर ये बात ध्यान में रखनी है कि ये अगर प्रॉब्लम्स बार बार हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है तो घर पर ही ये सारे इलाज आप बार बार करने से अच्छा है कि जो भी आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक कोई फिजिशियन होंगे उनसे कंसल्ट कीजिए और जो उसका बेसिक रीज़न है उसको ट्रीट करने के पीछे लगी है तो आपको परमानेंटली उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए तो आपको जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी पहुंच सके तब तक के लिए स्टे हेल्दी थैंक यू